हेलो दोस्तों, मैं हूं सबीर और आप देख रहे हैं सबीर सीमेंट आर्ट चैनल। आपका इस चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको ये दिखाने वाला हूं कि जो बरामदे में हमने जो डिज़ाइन बनाए हैं मोल्डिंग का, कॉर्नर्स का और फैन झूमर या पंखे का जो डिज़ाइन है, उसके बारे में मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। तो वर्क करता हुआ तो वीडियो नहीं है ये, लेकिन वर्क के बाद का वीडियो है। इसी में मैं आपको अच्छी अच्छी जानकारी अभी देने वाला हूँ। तो ऐसे ही वीडियो पे बने रहिए। अगर वीडियो पे नए हैं तो चैनल वीडियो को एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो ये देखिए हमारे विक्की भाई हैं जो पिलर बना रहे हैं। स्क्वायर पिलर है, जो चौरस पिलर, एक पिलर तैयार हो गया है, दूसरा बना रहे हैं। तो ये हम एक साइड से शुरू करते हैं। ये देखिए छत का, ये जो है तीर बॉर्डर जो कोना होता है वो अंदर साइड से हैं। ये हम कोई 15 इंच लगाइए, अगर जैसा स्पेस हो 18 इंच, 1 फुट जैसा स्पेस हो उस हिसाब से आप इसको देके फिर मोल्डिंग बना सकते हैं। मोल्डिंग के पीछे जो है कंसीट लाइट बना दिया ताकि अच्छा लगे देखने के लिए। तो उसमें कंसीट लाइट का जो है पॉइंट नहीं दिया था, फिर भी हमने उसमें बना दिया ताकि अच्छा लगे वो देखने में। और साइड में ये देखिए ये कॉर्नर्स बना हुआ है। पहले हमने इसमें 40 mm का गोला टिकाया, उसके ऊपर 2 32 और नीचे भी 2 32 mm का, ताकि ये देखने में अच्छा लगे, छत और दीवार दोनों। ये सेंटर में जगह था तो हमने कैप्सूल बना दिया। और ये देखिए ये साइड में है जो कॉर्नर्स। बाकी ये 7 पत्ती वाले डिज़ाइन हो गए, जो 7 राउंड में जो घुमा हुआ है और अंदर भी 7 पत्ती कटी हुई है, तो इसको हम लोग 7 पत्ते वाली डिज़ाइन बोलते हैं। ये देखिए 7 पत्ते होंगे इसमें, तो इसको 7 पत्ती वाले डिज़ाइन हो गए। बाकी ये तीर कॉर्नर हो गया। और ये 4 कमरे का बरामदा है, बीच में पार्टीशन किया हुआ है, बीम डाला हुआ है। तो बीम डालने की वजह से हमने 2 पोर्शन भी इसमें बना दिए हैं कैप्सूल का जगह देखे, क्योंकि बीच में लाइटों का पॉइंट नहीं था, झूमर भी नहीं थे बरामदे में, तो सिर्फ 2 पंखे ही थे। तो हमने कैप्सूल, ये देखिए सामने कैप्सूल बना के उसमें लाइट के एक छोटे से बना दिए ताकि अच्छा लगे। और ये 7 पत्ते वाले डिज़ाइन हो गए। और साइड में तीर कोना हो गया, तीर कोने के पीछे कंसीट लाइट हो गया। ये दूसरे वाले बरामदे का, एक पीछे बरामदे की आगे साइड का कॉर्नर्स हो गया। ये कोई 5 गोले हमने लगाए हुए हैं। और छत में जो है ये 4 मोल्डिंग है। ये सेंटर में ये देखिए कैप्सूल अच्छा लग रहा है देखने में। अगर आप भी बनाइए, अगर खाली जगह होता है तो ज़रूर कुछ ना कुछ बनाइए उसमें। पूरी खाली छत जो है अच्छा नहीं लगता है, कुछ ना कुछ होना चाहिए मॉडिफाई। तो ये हो गया आपको। बाकी साइट में जो है जो दीवारें हैं, अगर इसमें अगर आपको बनाने में दिक्कत होता है तो पहले आप 40 mm का गोला टिकाइए उसमें, उसके ऊपर 2 32 mm का ऊपर और 2 नीचे, फिर वो कॉर्नर्स बनता है और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है फिर वो। तो और अगर कुछ अगर आपको इस डिज़ाइन में कुछ देखने में अगर ठीक नहीं लग रहा है तो ज़रूर कमेंट कीजिए और हमें बताइए, ताकि हम इनसे अच्छा भी और आपके सामने ला सकें। तो ये देखिए ये 7 पत्ते वाला, एक पार्टीशन बीम से इस साइड को है और एक दूसरी साइड को है। कोई 4 कमरे का बरामदा होगा, ये लंबा बरामदा था। तो हमने ये बरामदे में इसी तरह का डिज़ाइन डाल दिए हैं, जो घर वालों को पसंद था उसके हिसाब से हमने ये डिज़ाइन डाल दिए। इसमें मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, जो उनको पसंद होगा मैं भी उसी तरह का बना सकता हूँ, तो मैंने भी यही बनाया। अगर आप भी बनाते हैं डिज़ाइन तो जो जहाँ पे बनाते हैं एक बार सलाह ज़रूर लें कि किस तरह का डिज़ाइन वो बनाएंगे, तो उस हिसाब से आप बनाइए अच्छा लगे देखने में। तो ये हो गया आपको। और कोशिश करूँगा मैं कि आपको वर्क करते हुए वीडियो भी मैं आप लोगों तक ला सकूँ, क्योंकि बंदे की कमी की वजह से हम जो है आपके सामने वर्क करता हुआ वीडियो नहीं ला के दे सकता हूँ। ज़रूर कोशिश करूँगा कि दूंगा ला के आगे, बंदे की कमी की वजह से। और बाकी वीडियो खुद ही बनाता हूँ, खुद ही वर्क करता हूँ, तो आगे सोचता हूँ कि मैं आपको वर्क करते हुए वीडियो बना के दिखाऊँ। तो और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिए। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक और कमेंट जरूर करें। ये हमारे मस्तानी भाई और ये विक्की चौधरी है, और वीडियो को फुल वाचिंग करें। थैंक यू सो मच डियर।